आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, मैं हूं अपर्णा। मौजूद वक्त हो गया है मध्य प्रदेश की महाडिबेट का। आज की महाडिबेट में बात होगी कि क्या अयोध्या काशी के बाद अब धार के भोजशाला विवाद का भी हल निकलेगा। ज्ञानवापी में पूजा की इजाजत मिलने के बाद धार में भी खुशियां मनाई जा रही हैं। हिंदू पक्ष उत्साहित है, ये लग रहा है उन्हें कि जैसे कोर्ट ने अयोध्या काशी मामले में न्याय किया, अब भोजशाला विवाद भी खत्म होगा, हिंदुओं को यहां पूजा का अधिकार मिलेगा। इसी पर करेंगे आज महाडिबेट। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला, ऐतिहासिक भोजशाला का विवाद भी अयोध्या मथुरा काशी जितना ही पुराना है। हिंदू भोजशाला को मां वाग्देवी का मंदिर बताते हैं, जिसका निर्माण राजा भोज ने किया था, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे बताते हैं मस्जिद। हिंदू पक्ष का कहना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई थी। 1875 में यहां खुदाई भी की गई थी, जिसमें मां वाग्देवी की प्रतिमा भी मिली थी, जो फिलहाल लंदन के म्यूजियम में रखी गई है। ज्ञानवापी पर कोर्ट के फैसले के बाद अब हिंदू पक्ष को उम्मीद जगी है कि भोजशाला में भी मंदिर बनेगा, बेरोक टोक पूजा का अधिकार उन्हें मिलेगा। ज्ञानवापी पर जिस दिन फैसला आया, उस दिन धार भी खुशियां मना रहा था। उस फैसले ने धार के लोगों को भी भरोसा दिया है कि अब यहां भी न्याय मिलेगा। यहां रहने वाले आम लोगों से लेकर भोजशाला मुक्ति यज्ञ के पदाधिकारी तक सब खुश हैं। सारा हिंदू समाज इस फैसले का स्वागत करता है और बड़ी खुशी, और आने वाले समय में भोजशाला माता जी का भी यही निर्णय आएगा और यही स्वागत करेंगे। जिस प्रकार का वहाँ निर्णय हिंदू समाज के पक्ष में आया है, यहाँ के साक्ष्यों के आधार पर भी जल्द ही माँ यहाँ विराजमान होगी और यह पूरा परिसर हिंदू समाज को प्राप्त होगा। भोजशाला पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी का कहना है कि जैसे ज्ञानवापी में तथ्यों ने सिद्ध किया कि ज्ञानवापी भगवान शिव का मंदिर था, भोजशाला के प्रमाण भी अपनी कहानी कहेंगे और वहां मां वाग्देवी की प्रतिमा स्थापित होगी। जबकि कांग्रेस का कहना है कि अंतिम निर्णय तक किसी मामले को रजी नहीं बनाई जा सकती। कांग्रेस ने यह भी पूछा कि आखिर किस आधार पर भोजशाला में इजाजत मांगी जा रही है। निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि ज्ञानवापी में भी तथ्यों ने यह सिद्ध किया कि ज्ञानवापी मंदिर भगवान शिव का ही था। वो ऐसे ही भोजशाला के तथ्य और प्रमाण खुद अपनी कहानी कह देंगे कि राजा भोज ने किस उद्देश्य से उसका निर्माण किया था, और जब ये कोर्ट से सिद्ध हो जाएगा तो हम सब वहां वाग्देवी की प्रतिमा स्थापित करके सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जीत के इस परचम को निश्चित रूप से फहराएंगे। देश के अंदर जो भी प्रकरण न्यायालय के पास होते हैं, उसके संदर्भ में उसको जब तक अंतिम निर्णय नहीं होता कोई नजीर नहीं बनाई जा सकती है। निश्चित रूप से जो ज्ञानवापी मंदिर के अंदर पूजा का जो आया है वो स्वागत योग्य, उसमें किसी को आपत्ति क्या है? पूजा भगवान की हो रही है, सब लोग कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसके पास आधार होंगे किस तरह के दिए हैं। अब ये भोजशाला के नाम पर जो परमिशन की मांग कर रहे हैं, तो ये अपना लीगल पॉइंट्स बताएं, मेरिट्स बताएं, क्यों इनको परमिशन की आवश्यकता है, ये क्या क्या कि वहां परमिशन मिल गई है या परमिशन मिल जाए। मैं समझता हूं ये कोर्ट का क्षेत्राधिकार है, हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो एक्शन रिएक्शन आपने सुन लिया है। अब सवाल क्या है मध्य प्रदेश की महाडिबेट के, जिन पर ये डिबेट आज की फोकस रहेगी, उन सवालों को आपको दिखा देते हैं इस बड़ी स्क्रीन पर। सवाल क्या है? पहला सवाल है ज्ञानवापी पर फैसला, भोजशाला विवाद भी क्या होगा खत्म, ये है पहला सवाल। दूसरा सवाल भी आइए देख लेते हैं। उत्साह में है धार, जी हाँ, धारवासी उत्साह में है। कोर्ट के फैसले से क्या आधार मिला है, ये यहां पर जानना बेहद जरूरी हो जाएगा। तीसरा सवाल क्या है वो भी देख लेते हैं कि बीजेपी को है उम्मीद, कांग्रेस क्यों मांग रही है प्रमाण? भाई आखिर जब बीजेपी अपनी उम्मीद जाहिर कर रही है तो फिर कांग्रेस को सबूतों की आवश्यकता क्यों है, इस पर भी आज की डिबेट को हम रखेंगे फोकस। लेकिन कौन कौन मेहमान जुड़ गए हैं पहले उनका भी करवा देते हैं आपसे परिचय। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं अजीत सिंह भदौरिया, वो जुड़ चुके हैं। मुस्लिम धर्मगुरु हैं सैयद अनस अली नदवी, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और गोपाल शर्मा हैं, संयोजक हैं भोजशाला मुक्ति यज्ञ के, साथ ही धवले जी हैं, अजय धवले बीजेपी प्रवक्ता हैं हमारे साथ। महंत राजू दास मुख्य पुजारी हनुमानगढ़ी अयोध्या से भी हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में, आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई भी देंगे। लेकिन पहला सवाल अजीत सिंह भदौरिया जी है, धार में उत्साह है, खुश है धारवासी, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि किसी भी फैसले को नजीर मत समझिए, इससे कहने का तात्पर्य क्या है कांग्रेस का? किसने कहा ये कि किसी भी फैसले को नजीर मत समझिए? किसने कहा? आप क्यों इंटरप्रिटेट करते हैं?
क्यों आप लोग गलत दिशा की ओर ले जाते हैं किसी भी शब्दों को? आप जेपी धनोपिया जी का बयान दोबारा सुनिए, सुनवाइए। आप लोग गलत तरीके से मैनिपुलेट मत किया करिए। कांग्रेस मांग रही प्रमाण, ये गलत तरीके से आप किसी भी पार्टी की छवि खराब करने का काम मत करिए किसी के इशारों पर। मैं आपसे विनम्रता से आग्रह कर रहा हूँ, ये विनम्रता मैं पहली बार देख रही हूँ कि उंगली दिखाकर आप मुझे विनम्रता बता रहे हैं। खैर, आप अगर चाहेंगे भदौरिया जी, आप सुनिए, उंगली मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ, मैं उंगली खड़ी कर रहा हूँ। ये अपना हाथ, मैं चलिए हाथ खड़ा करके बात कर रहा हूँ। चलिए आप जेपी धनोपिया जी का बयान दोबारा दिखाइए, चलिए तब मैं दोबारा सुना देती हूँ मैं आपको धनोपिया जी का बयान। ठीक है, कहाँ आ रहा है दोबारा आएगा? भदौरिया जी संयम रखिए, टेक्निकल चीज है, प्ले कर रहे हैं हम, 5 सेकंड का वक्त तो देंगे ना। किसी की छवि अगर, और दूसरी बात आप बोल दीजिए कि आपका पक्ष क्या है, वोट सभा के फेवर में आप कहिए, पूरा चैलेंज दे रही हूं मैं आपको, कहिए आप पार्टी में। बाइट सुनिए पहले धनोपिया जी की, बाइट सुनिए आप, आइए भाई सुनाइए। निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि ज्ञानव्यापी में भी तथ्यों ने ये सिद्ध किया कि ज्ञानव्यापी मंदिर भगवान शिव का ही था वो। ऐसे ही भोजशाला के तथ्य और प्रमाण खुद अपनी कहानी कह देंगे कि राजा भोज ने किस उद्देश्य से उसका निर्माण किया था, और जब ये कोर्ट से सिद्ध हो जाएगा तो हम सब वहां वाग्देवी की प्रतिमा स्थापित करके सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जीत के इस परचम को निश्चित रूप से फहराएंगे। देश के अंदर जो भी प्रकरण न्यायालय के पास होते हैं उसके संदर्भ में उसको जब तक अंतिम निर्णय नहीं होता कोई नजीर नहीं बनाई जा सकती है। निश्चित रूप से जो ज्ञानव्यापी मंदिर के अंदर पूजा का जो आया है वो स्वागत योग्य, उसमें किसी को आपत्ति क्या है? पूजा भगवान की हो रही है, सब लोग कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसके पास आधार होंगे किस तरह के दिए हैं। अब ये भोजशाला के नाम पर जो परमिशन की मांग कर रहे हैं तो ये अपना लीगल पॉइंट्स बताएं, मेरिट्स बताएं, क्यों इनको परमिशन की आवश्यकता है, ये क्या क्या वहां परमिशन मिल गई है या परमिशन मिल जाए। मैं समझता हूँ ये कोर्ट का क्षेत्राधिकार है, हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सुना भदौरिया जी आपने? आपने भी सुन लिया क्या कहा? ज्ञानव्यापी के निर्णय का उन्होंने स्वागत किया, कोर्ट के निर्णय का तो मैंने तो कहा ही नहीं कि उन्होंने स्वागत नहीं किया। पहली लाइन जो उनकी थी कि किसी भी फैसले को नजीर नहीं मान सकते, वही मैंने पूछा आपसे, आप कह देते कि आप काशी अयोध्या मथुरा की तरह भोजशाला का भी आप समर्थन कर रहे हैं, कह दीजिए आप, मैंने थोड़ी रोका है आपको, रोका है क्या मैंने आपको, आप कहिए। सुनो मैं कट कर दूंगा अगर आप मेरी बात नहीं सुनोगे। आप पार्टी मत बनो, आपने क्वेश्चन कर दिया, आप मेरा जवाब सुन लो, सुनाइए, और कट करने की धमकी मत दीजिए, मैं भी काट सकती हूँ आपको, लेकिन बुलाया सम्मान से, सम्मान से जवाब कर दीजिए अपना, सम्मान से बात सुनिए मेरी, पार्टी मत बनिए आप। मैं कुछ भी बनू, स्वतंत्र देश की स्वतंत्र नागरिक हूँ मैं, तो स्वतंत्र नागरिक हो, चिल्लाओ और चिल्लाओ चिल्लाओ। आपको डिबेट के रूल नहीं मालूम क्या? नहीं, मुझे नहीं पता। करोगी कुछ तो भी करोगी। अजीत सिंह भदौरिया जी, सवाल का आप जवाब दे दीजिए, देंगे या नहीं? किया है केवल उन लोगों को बोलने की परमिशन दोगी या हमारा पक्ष नहीं सुनोगी? अरे आप बताइए, कहिए अपनी बात, दी आपको परमिशन, दे जाइए, दे दिया आपको परमिशन, कहिए। अब आप सुनिए, आप जेपी धनोपिया जी ने साफ तौर पर कहा है कि मामला जुडिशियली के अधीन है, जो भी ज्ञानव्यापी के संदर्भ में निर्णय आया वो प्रमाणों को रख के आया, वहां प्रमाण प्रस्तुत किए गए, उसके आधार पर निर्णय आया। आप भोजशाला में क्या प्रमाण है, क्या मेरिट्स हैं, उन मेरिट्स के आधार पर ये लोग परमिशन मांग रहे हैं? चूंकि सब जुडिशियली मामला है तो आप कोर्ट के सम्मुख अपने प्रमाण रखिए, वो तो कोर्ट उसकी परमिशन देगी। बिना प्रमाण रखे हुए किसी भी चीज को पहले ही माहौल बनाना कि भैया चलो 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 चलो, अरे भैया जब कोर्ट के अधीन है, मैं तो कह रहा हूं आपको इस विषय पे, संवेदनशील विषय पे आपको चर्चा ही नहीं करना चाहिए अगर आप अपने आप को जिम्मेदार चौथा स्तंभ कहते हैं तो। ये बहुत संवेदनशील मामला है, न्यायालय के अधीन मामले है, आपको चर्चा करना चाहिए तो। उज्जैन में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है, ग्वालियर में लगातार नाबालिगों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, उन पे चर्चा करना चाहिए मध्य प्रदेश के संदर्भ में। अरे मध्य प्रदेश को क्या लेना देना ज्ञानव्यापी से? मध्य प्रदेश के अंदर जो स्थितियां निर्मित हो रही हैं, जिन बेरोजगारों ने परीक्षा दी हुई है,
प्रोफेशनल एग्जाम बोर्ड से उनके रिजल्ट नहीं आए, उन पे चर्चा होना चाहिए। यह बड़ा दुख का विषय है आदरणीय अपर्णा जी। मैं आपको बता दूं, कल देश में अंतरिम बजट प्रस्तुत हो रहा था, ये देश में अंतरिम बजट प्रस्तुत हो रहा था, मैंने न्यूज चैनल खोले उस दौरान, आज देखिए 80-90% न्यूज चैनलों पे ज्ञान वापी, कहीं कोई बजट पर चर्चा नहीं। ये देश जो धर्मांधता की चटनी में डुबोया जा रहा है ना जानबूझ के, उससे हम और आपके बच्चों का, हम और आपके छोटे लोगों का भविष्य बर्बादी की ओर जा रहा है। इसमें सब प्रभावित होंगे, जो कुछ होंगे। हमें आपको रोजगार, ठीक है, कुछ लोगों को चाटुकारता करके, कुछ लोगों को द्वेष फैलाने का काम करके जो एजेंडा चल रहा है उस पर चल के रोजगार मिल सकता है, परंतु कितने लोग बेरोजगार है? अगर आप, आपके ऊपर जिम्मेदारी है उन बेरोजगारों की आवाज उठाने की, तो मेरा विनम्रता से आग्रह है आपसे और आपके पूरे नेटवर्क से कम बेरोजगारों की आवाज उठाइए। मध्य प्रदेश के अंदर ज्ञान वापी पे चर्चा करके कुछ नहीं होगा। ठीक है भदौरिया जी, अगर अब आपने अपनी बात कह ली हो माननीय भदौरिया जी, तो मैं भी कुछ कह दूं। हाँ बोलिए। मुझे नहीं पता कि आप कितने टीवी चैनल्स देखते हैं, कितने नहीं देखते हैं, लेकिन कल जब बजट आया था और कल 8 बजे मध्य प्रदेश की महाडिबेट में मैंने बजट पर ही चर्चा की थी। अभिनव बरौलिया आप ही की पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो मेरे साथ पैनल में जुड़े हुए थे, ठीक है, लेकिन ज्ञान वापी से क्या लेना देना मध्य प्रदेश को? आपकी बात मानते हुए धार तो मध्य प्रदेश का हिस्सा है, भोजशाला तो मध्य प्रदेश में ही आती है ना। मेरा आपने बयान स्पष्ट नहीं सुना। मैंने कहा हाँ, जब मेरे ही कान में खराबी है सर। आपके कान में खराबी नहीं है, आपका ध्यान कहीं और है, आपका ध्यान दूसरे एजेंडे की तरफ है, प्रदेश के विकास की ओर। सवाल डिसाइड कर दीजिए, पेपर लेके भेज दिया कीजिए मुझे कि आज मैं क्या करूं, मेरा एजेंडा क्या है। ठीक है, बढ़ रही हूं मैं आगे, इतना समय नहीं है बहस करने के लिए मेरे पास। दी जा रही है वो एजेंडे। सैयद अनस अली नदवी जी, भोजशाला को लेकर जो अब जिस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं, चाहे वो पक्ष में हो विपक्ष में हो, लेकिन आप किस तरह से देख रहे हैं मुस्लिम धर्मगुरु के तौर पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जिस तरीके से ज्ञानवापी का मुद्दा हो या भोजशाला का मुद्दा हो, दोनों अलग अलग मुद्दे हैं। इन मुद्दों को बड़ी गंभीरता से समझने की ज़रूरत है। आज जो भोजशाला में वो हो रहा है, ये भी अदालत के अंदर है, और इस मामले को अदालत में जहाँ तक हम लड़ सकते हैं हम लड़ेंगे। हमारा पक्ष जो हमने रखा है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजबूत है और आगे भी रखेंगे। ज्ञानवापी वाले मसले के अंदर हम ये देख रहे हैं कि रातों रात डिस्ट्रिक्ट अदालत का फैसला आता है और उसके बाद में रातों रात, मतलब ये है कि ग्रिल काट कर और मूर्ति रख के और पूजा करवाई जाती, जबकि अदालत ने 7 दिन का टाइम दिया था, तो इतनी जल्दी किस बात की थी? तो ये भी कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। उसके बाद दूसरे फरीक को बहस के उसमें दूसरे फरीक को भी मौका देना चाहिए था। जब मुसलमानों ने अपना पक्ष रखने के लिए, मुसलमान इससे आगे हाई कोर्ट जाएंगे फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो उसका इंतज़ार करने की क्या ऐसा था कि इतनी जल्दी सब काम करना था और कोई इंतज़ार नहीं किया गया? तो कहीं ना कहीं हमें ये ऐसा लग रहा है कि फैसला जो भी हुआ है वो बिल्कुल बहुत जल्दी हुआ है और उसके अंदर कोई, हम समझते हैं कि बहस उसके अंदर जो होनी चाहिए थी, जो दलीलें पेश होनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं रह गई हैं। तो इसलिए इस तरफ भी गौर खोज करने की ज़रूरत है, विचार करने की ज़रूरत है। हिंदुस्तान की अदालतें हैं, हम उसको मानते हैं, मगर ये है कि अदालत के जो उसूल और जवाबित हैं उसके हिसाब से पूरा काम होना चाहिए था। अदालत के फैसले के साथ ही काम हुआ है, बस आप ये कह रहे हैं कि 7 दिन का डेडलाइन दिया गया था, तो फिर पहले ही दिन क्यों एक्शन में वहां पर नजर आया है हिंदू पक्ष? पहले ही दिन, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि तैयारी पहले से थी कि जैसे ही फैसला आएगा, अगर पक्ष में आएगा तो वो तैयार रहेंगे, क्यों डिले करेंगे वो जिस जगह का वो इतने टाइम से इंतजार कर रहे थे। खैर, आप ही की बात पर आगे बढ़ते हुए और हमारे कांग्रेस प्रवक्ता के सवाल को आगे बढ़ाते हुए, धवले जी, आपकी सरकार की नाकामियों पर बात ना हो इसीलिए आप कभी ज्ञानवापी का, कभी मथुरा का, कभी काशी का और कभी भोजशाला का मुद्दा आगे बढ़ा देते हैं।
जी अपना जी, तो कांग्रेस के मेरे प्रवक्ता मित्र अजीत जी ने जो बात कही उसी को मैं एक्सटेंड करना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी, धार, गौशाला और काशी मथुरा इन विषयों पर डिस्कशन की आवश्यकता नहीं क्योंकि देश में अन्य भी बहुत मुद्दे हैं। तो अपना जी आपकी जानकारी के लिए देश में 70 वर्षों तक के सांस्कृतिक अभ्युदय के, सांस्कृतिक विरासतों के जितने भी महत्व के विषय थे उन पर डिस्कशन, डिबेट और डायलॉग होने ही नहीं दिया पूर्ववर्ती सरकारों ने। और ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि मीडिया भी उस समय इन विषयों को इसलिए प्राथमिकता नहीं मानता था क्योंकि सरकार की प्राथमिकता होती थी कि डिस्कशन सिर्फ कांग्रेस की नीतियों को या तत्कालीन सरकार की नीतियों पर होते। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात अपना जी, हिंदू समाज सनातन समाज सहिष्णु है, इसीलिए हमारे ही धार्मिक स्थलों पर हमेशा कब्जे हुए हैं, हमारे ही धार्मिक स्थलों पर पूजा अर्चना करने के लिए हमें 32 वर्षों तक, कहीं 70 वर्षों तक कोर्ट केस लड़कर वो अधिकार पाना पड़ा है। अभी मेरे हमारे मौलवी जी हमारे मुस्लिम समाज के कह रहे थे कि ये इंतजार क्यों नहीं किया, तो भाई साहब 32 वर्षों तक के ज्ञानवापी के व्यास परिवार ने इंतजार किया वह अपने ही पूर्वजों के मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए। आप दूसरी बात कहने की कोर्ट ने कहा था 7 दिन का समय, तो कोर्ट ने कहा था विद इन 7 डेज, मतलब 7 दिन बात नहीं करना था, 7 दिन में कभी भी। तो जब सरकार की वहां पे डीएम जो रिसीवर ऑलरेडी अपॉइंट हो चुके थे, 17 तारीख को डीएम रिसीवर अपॉइंट हो चुके थे, जब डीएम जो वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो रिसीवर अपॉइंट हो चुके थे, वहां व्यवस्था ऑलरेडी बना ली थी। एएसआई का सर्वे कुछ 32 प्रमाणों के साथ में कह रहा है कि ज्ञानवापी में विशाल मंदिर था जिसके स्ट्रक्चर को औरंगजेब के शासन काल में डिमोलिश किया गया, फिर भी आपको प्रमाणों की आवश्यकता है। वही बात अजीत जी कह रहे कि धार में भी मामला सब जुड़ाई से, लेकिन अजीत जी आप भी हिंदू समाज से आते हैं, सनातन समाज से आते हैं, 1875 में खुदाई हुई थी और ये खुद पॉइंट आउट हुआ है कि वहां वाग्देवी की प्रतिमा पाई गई है, एएसआई के कब्जे में वो परिसर है, लेकिन 97 में आपके नहीं, लेकिन ये जी के शासन का जब भी अपना डिफेंस करने की बात आती है ना, आप सभी लोग मीडिया पर आक्षेप लगाना शुरू कर देते हैं, आप भी और कांग्रेस वाले भी, यानी कि सभी आप पार्टी के बैनर अलग अलग है लेकिन एक ही चाल है आपके पास डिफेंस करने के लिए। खैर, लेकिन धर्मांधता, हिंदू धर्म या सनातनों के मंदिरों के मुद्दों को उठाना धर्मांधता है, ये तो कह दिया है अजीत जी ने। लेकिन गोपाल शर्मा जी, जब मामला कोर्ट में है, मदारे जी आपके पास मैं आ रही हूँ, सुनिए अपर्णा जी, फिर गलत दिशा में गई, नहीं आपने मुझे मदारे जी, नहीं आप अकेले पैरल में नहीं है, रुक जाइए, समय का इंतजार कीजिए, अपने कोर्ट किया गलत बयान पे आपने कोट किया कि हिंदू धर्म के मामलों को उठाने का मैं धर्मांधता कह रहा हूँ, क्या क्या फालतू की बकवास कर रही हैं आप, जाइए आप यहाँ से, आप मैंने अपना ही जाइए, आप जाइए जाइए, आप जाइए, आप इस डिबेट में डिजर्व नहीं करते, जाइए। गोपाल शर्मा जी, ये फालतू की बकवास, गोपाल शर्मा जी सुना आपने हर गेस्ट को यहाँ पर, गोपाल शर्मा जी आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? हाँ, आ रही है। भोजशाला का मामला कोर्ट में लंबित है तो क्या उस पर चर्चा ना की जाए? क्यों नहीं की जाए, होना चाहिए, समाज के बीच में जाना चाहिए बातें। नहीं, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता तो यही कह रहे हैं ना कि मामला सेंसिटिव है, कोर्ट में है, तो उस पर इस तरह का डिस्कशन नहीं होना चाहिए। हिंदू समाज को अपने मंदिर के लिए कोर्ट में जाना क्यों पड़ा जी? क्या ऐसे स्थानों पर हिंदू समाज अपमान होता रहेगा? पिछले 70 सालों में क्यों नहीं किया मैंने इन ऐसे स्थानों का निराकरण? सिंपलानों में इन्हीं की सरकार में उस वक्त प्रतिबंध लगाया था, अगर मस्जिद थी तो कुरान उनको दे देते, फिर एक दिन की पूजन के लिए बावन की नमाज के लिए ऐसा आदेश निकाला गया, क्या हिंदू समाज को अपमानित करने के लिए खड़ा किया उन्होंने? ठीक है, महंत राजू दास जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुख्य पुजारी हैं हनुमानगढ़ी अयोध्या से। महंत राजू दास जी, अयोध्या मथुरा काशी की बात तो हो रही है लेकिन मध्य प्रदेश में क्या भोजशाला की बात की जाए नहीं की जाए, क्योंकि मामला कोर्ट में है, क्या भोजशाला को लेकर जो धार के लोग खुश हो रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि वहां भी उन्हें भी जल्दी पूजा करने का मौका मिलेगा, क्या इस पर बात होनी चाहिए? देखिए, मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से मुस्लिम आक्रांता आक्रमणकारी ये जितने भी सनातन के सिद्ध प्रसिद्ध जहां लाखों लोग
की आस्था जुड़ी हुई थी। टारगेट करके उसको ध्वस्त किया, तोड़ा, तोड़ने के बाद इस्लामिक को स्थापित किया। अयोध्या का प्रकरण आप लोगों ने देखा, मुस्लिम की लंबी लड़ाई के बाद विजय मिली, प्राण प्रतिष्ठा काशी ज्ञानवासी भी तत्काल में प्रेम सिंह जी के द्वारा रोक लगा दी गई थी पूजा पर। वहां पर व्यास जी की जो व्यास जी की जो पूजा होती थी तहखाने में, उनके द्वारा रोकी गई थी, लेकिन उसके बाद इस बीच में अभी तत्काल कोर्ट के आदेश के द्वारा शुरू हुआ है। रही मथुरा की बात, तो मथुरा की भी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, उस पर भी विजयश्री मिलेगी। भोजशाला पर भी बात होना चाहिए, भोजशाला पर ही नहीं, देश में लमसम 30,000 ऐसे मंदिर हैं जहां पर इस्लामिक आक्रांताओं ने प्रयास किया तोड़ कर वह इस्लामिक प्रतीक स्थापित करने के लिए। इसके नाते जहां जहां भी सनातन पद्धति से जुड़ा हुआ, सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ मंदिर स्ट्रक्चर है, आप देखो जिसको आकार इस्लामिक आक्रांताओं ने अपने तरीके से दे दिया है, वहां देखिए जिस प्रकार से दीवालों में साइंटिफिक जांच हो, चाहे कार्बन डेटिंग हो, इसमें सारे चीज पाए जा रहे हैं। अब समझ नहीं आता है कि जितने मुस्लिम बुद्धिजीवी टीवी चैनल पर बैठते हैं, बुद्धिजीवी टीवी चैनल पर बैठते हैं जी, वो शुरू कर देते हैं, करे भाई अब हम मूर्ति निकल जा रहा है तो मैं क्या करूं, गजब बात है। एक तरफ तो आप बुद्ध पूजक हराम मानते हो, आप कहते हो बुद्ध पूजक काफिर होते हैं, दूसरी तरफ आपके लोग सीधे तौर पर मस्जिदों से आखिर सनातन देवी देवताओं के प्रतीक चिन्ह कैसे मिल रहे हैं, मूर्तियां कैसे मिल रही, सनातन संस्कृति के जुड़े हुए स्ट्रक्चर कैसे हैं। मैं पूछना चाहता हूं भी ज्ञान बापी का देख लीजिए आप, भोजशाला में जिस प्रकार से वहां पर सारे चीज सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ है, उस पर वो बात तो होनी चाहिए जी, ठीक है। और उसको सनातनी को धवले जी, क्या चुनाव से पहले इन तमाम विषयों पर बात का होना, चर्चा का होना, क्या बीजेपी की ये रणनीति है ताकि आपको फायदा मिले? देखिए अपना जी, इस देश में सांस्कृतिक गौरव जो हमारी विरासत है उनके अभ्योदय का कार्य ये किसी भी सरकार के लिए चुनाव का विषय नहीं हो सकता, क्योंकि ये जनाकांक्षाओं से जुड़ा हुआ विषय है। रही बात धार की भोजशाला की या ज्ञान व्यापी में जो तहखाने की पूजा का निर्णय है, महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि आज वास्तव में एक ऐसी सरकार है जो हमारे धर्म को, हमारी मान्यताओं को स्वीकारने में बिल्कुल भी हिचक नहीं रही है। लेकिन 70 वर्षों तक इस देश ने ऐसी भी सरकारें देखी है जब जब कभी धर्म की बात आती थी तब कहा जाता था कि नहीं हम सेक्युलर देश है, हमारे संविधान ने सेक्युलरिज्म को अपनाया है। लेकिन आप देखेंगे कि हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली फ्रेम हुआ था उसमें सेक्युलर वर्ड ही नहीं था, ये इंसर्ट किया गया तथाकथित लोगों की राजनीति को स्थापित करने के लिए, वोट बैंक को सिक्योर करने के लिए। आज फिर से अगर सांस्कृतिक गौरव की बात हो रही है, उन विरासतों को पुनर्जागृत करने की बात हो रही है, तो मुझे लगता है कांग्रेस नहीं देश के किसी भी राजनीतिक दल को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये करोड़ों बहुसंख्यकों की आस्था और अस्मिता से जुड़ा हुआ विषय था, हमारे सांस्कृतिक गौरव का विषय था। मध्य प्रदेश में धार की भोजशाला में यदि माँ बागदेवी की पूजा अर्चना हो जाती है, वसंत पंचमी के दिन हम जब वहां जा जाके हम लोगों को परमिशन लेके पूजा अर्चना करनी पड़ती है, सार्वजनिक रूप से अगर पूजा अर्चना करने मिल जाए तो मुझे लगता है कि। लेकिन सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की आड़ में तो आप अपनी नाकामियों को छिपा रहे हैं ना, यही तो कह रही है ना कांग्रेस, आप रोजगार पे बात नहीं कर रहे, महंगाई पे बात नहीं कर रहे। देखिए अपना जी, हम कांग्रेस को जवाब देने के लिए नहीं बैठे हैं, हम इस देश की 140 करोड़ जनता को जवाब देने के लिए बैठे हैं जिन्होंने हमें इसलिए भी चुन के दिया है कि हमने श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और भव्य दिव्य मंदिर का उस हमारे मैनिफेस्टो में किया था वादा और वो संकल्प को पूरा किया है। हमने देश में 2 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना का संकल्प किया था, 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के घर बने, हमने 11 करोड़ शौचालय का संकल्प की पूर्ति की है, हमने 300 से अधिक मेडिकल कॉलेज बनाने की संकल्प की पूर्ति की है, 30,000 पंचायतों की बनाने की संकल्प पूर्ति भी की है, धारा 370 हटाने का संकल्प लिया था उसे भी पूर्ति की है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश में सिर्फ सांस्कृतिक अभ्युदय को नहीं ठीक है भदौरिया जी, सांस्कृतिक विकास को भी बढ़ाया है, आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी भी भारतीय जनता पार्टी। धवले जी आपने पूरी लिस्ट गिनवा दी, ठीक है, आपकी लिस्ट में कितनी सत्यता है उसकी पुष्टि तो भदौरिया जी करेंगे ना, विपक्षी पार्टी है जी। भदौरिया जी देखिए, देखिए आदरणीय अपर्णा जी, ये लोग धवले जी को एक और मुद्दा दे देता हूँ, रायसेन चले जाना, वहाँ किले में शंकर जी की मंदिर के पे ताले लगे हुए है, उमा भारती जी आपकी पार्टी की नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री है, खुलवा नहीं पा रही अभी तक, कृपया करके खुलवाए आओ जाके, वहां पे भी जाके धरना प्रदर्शन कर देना, केंद्र में भी सरकार आपकी है, राज्य में भी 20 साल से सरकार आपकी है,
मेरा ये कहना है आदरणीय अपर्णा जी, दबले जी बोलने दीजिए उन्हें, मेरा ये कहना है, सुन तो लीजिए यार, अब बात देखो, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, अब ये क्या तरीका गलत है, नहीं आप अरे भैया खुलवा लो ना मंदिर का ताला जाके यार, हम तो बता रहे हैं आपके ध्यान में ला रहे हैं, उमा भारती जी जाके तीन तीन बार होके आ रही है, उनकी सुन लो यार जाके दीजिए, जी बोले दीजिए उन्हें, बोले दीजिए, आपकी बात को उन्होंने सुना ना पेशेंटली, मेरी बात तो सुन लीजिए, वहां जाके मैं तो आपके संज्ञान में ला रहा हूँ, आप सरकार में हो हम विपक्ष में है, इतनी तो बात सुन लो यार, हम भी जनता में आते मतदाता इस देश के, चलो कांग्रेस पार्टी के नाते ना मतदाता के नाते सुन लो, एक सनातनी हिंदू के नाते सुन लो, शंकर जी का ताला खुलवा दो जाके वापस रायसेन में, अगली बार अपन बैठे तो किसी चैनल पे मिले तो ताला खुला हुआ मिलना चाहिए, उमा भारती जी का भी मान सम्मान। आदरणीय अपर्णा जी, हमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है, हम भी हिंदू धर्म को मानते हैं, हम पूजा करते हैं, मैं अपने व्यक्तिगत बात बताओ कि मुझे नहीं लगता मुझसे ज्यादा इतने लोग बैठे हुए कोई ज्यादा पूजा करता होगा, परंतु मेरा एक साफ कहना है कि मूल विषय जो दूसरे विषय भी हैं, अगर ये आवश्यक है, मैंने बजट का उदाहरण आपको क्यों दिया, क्योंकि बजट देश का पूरी दिशा तय करता है साल भर के लिए, हमें उस पर भी चर्चा करना चाहिए, आप 80-90% चैनल सिर्फ और सिर्फ ज्ञान वापी पे चर्चा कर रहे हैं, भैया उस पर भी चर्चा करो, निर्णय आया है बिल्कुल करो, परंतु बजट पे भी तो करो, बेरोजगारी पे भी करो, कानून व्यवस्था बिगड़ रही है उस पर भी करो, मध्य प्रदेश के अंदर बेरोजगारों के रिजल्ट नहीं निकल रहे हैं उनपे भी चर्चा करो, कहां किसी को आपत्ति है, परंतु ये नहीं कि एक डर्रा सा ही नहीं, कि हम अपने जो हमारी जिम्मेदारी है, चाहे आप चौथे स्तंभ के रूप में करो या किसी राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते, राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के नाते करूं, तो हमें समाज के प्रति जो जिम्मेदारी है उसको भी निभाना है। बिल्कुल माननीय भदौरिया जी, अहम ब्रह्मास्मि तो किसी को समझना नहीं चाहिए खुद को, बहुत शुक्रिया आपको यहाँ पर रोक रही, क्योंकि समय इतना ही है मेरे पास, इससे पहले कि आप आक्षेप लगाए कि आपकी बात को मैंने पूरा नहीं होने दिया गया, तमाम मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए, लेकिन मध्य प्रदेश की महाडिबेट में फोकस इन्हीं सवालों पर था कि जो धार में उत्साह है उसका आधार क्या है, क्या बीजेपी चाहती है कि उत्साह ऐसा ही बना रहे ताकि चुनाव में उसको फायदा मिले, और कांग्रेस की यही कोशिश है कि इस उत्साह को आगे नहीं बढ़ाने दिया जाए। महाडिबेट में इतना ही, खबरें लगातार जारी है, जुड़े रहिएगा।